आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए, तेलंगाना की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर प्रचंड प्रहार किया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि रैली में मौजूद सभी शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें और बेटियां उन्हें आशीर्वाद देने आई हैं। उन्होंने कहा कि हर माँ हर बेटी उनके लिए शक्ति का रूप है और वो माताओं बहनों को शक्ति के रूप में पूजते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना की धरती से ऐलान किया कि वो शक्ति को खत्म करने की इंडी गठबंधन की चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि वो शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, अपना जीवन खपा देंगे। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है? क्या क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? और इधर राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर संतों में भी गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। संत महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी और अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, राहुल गांधी जी ने खुद अपना परिचय दिया है और अब स्पष्ट हो गया कि जो शक्ति से लड़ता है वो कौन है। जो शक्ति से लड़ता है वो महिषासुर है, वो असुर है। अनेक असुरों का संहार किसने किया था? शक्ति ने किया था, माँ देवी ने किया था। और ये शक्ति से लड़ने की बातें कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अपने को ये साबित कर दिया इन्होंने कि ये महिषासुर के वंश के हैं, ये महिषासुर ये असुरों के वंश के हैं और ये शिव और शक्ति से लड़ने की जो है संकल्प ले रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से देश के जो है सनातन धर्मी, देश के जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो उनको ये अपना परिचय बता रहे, और ऐसे लोगों से कभी भी हमें लगता है बिल्कुल समर्थन नहीं कर सकते। एक तरफ से शक्ति के बारे में, देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी किया जिस प्रकार से राहुल जी, एक तरफ तो पूरी देश जोड़ने की बात करते हैं, दूसरे तरफ सनातन सनातन संस्कृति, हिंदू हिंदुत्व को किस प्रकार मिटाया जाए, तोड़ा जाए, इसका नाश किया जाए, इस पर पूरा उनका ध्यान केंद्रित रहता है। और रुक कर लेते हैं जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का। सेक्सटॉर्शन कर ठगी वाली गैंग का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गैंग के 5 साथी ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। गैंग सरगना अमित शर्मा को भी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल कर ये कामयाबी हासिल की है। डेटिंग ऐप की मदद से लोगों से ये ठगी किया करते थे और बदमाशों के खिलाफ लूट डकैती जैसे संगीन मामलों में केस दर्ज हैं। तो जयपुर की एक महत्वपूर्ण और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर सेक्सटॉर्शन करके ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया गया है। लगातार इस तरह की गतिविधियों में यह गैंग शामिल था। पुलिस की तरफ से गैंग के 5 शातिर ठगों को अरेस्ट किया गया है। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी और जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। विष्णु, किस तरह से अंजाम देते थे ये अपने गुनाह को? देखिए, सेक्सटॉर्शन करने वाली गैंग के 6 लोग जो शिप्रापा थाना पुलिस से गिरफ्तार किए हैं, उन्होंने ठगी की जो वारदात है
वो छत्तीसगढ़ के रहने वाले व्यक्ति के साथ में की थी, कारोबारी के साथ में की थी, जिसे ग्राइंडर डेटिंग ऐप के जरिए लड़की बन करके गैंग के शादी ठगों ने उसे फंसाया और उसे पूरे तरह से हनी ट्रैप का शिकार बना करके मिलने के बहाने यानी कि जयपुर बुलाया गया। जब छत्तीसगढ़ का कारोबारी जयपुर में आया तो यहाँ से इस गैंग के शातिर सदस्यों ने उसको उसके साथ उसको पटक लिया, उसके साथ मारपीट की और साथ में हजारों रुपए हड़पने के बाद में उसको छोड़ करके फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित कारोबारी ने जो शिप्रापत थाना में मुकदमा दर्ज करवाया। शिप्रापत थाना SHO अमित कुमार शर्मा की टीम ने आखिरकार टेक्निकल सर्विलांस और 100 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगालने के बाद में इस गैंग को आइडेंटिफाई किया, जिसमें अमन शर्मा जो गैंग का सरगना है उसे गिरफ्तार किया गया और नीमका थाना का रहने वाला अमन शर्मा, उसके अलावा चंद्रभान सिंह, श्रवण कुमार मेघवाल, कन्हैया लाल और विशाल कंकाल नाम के 5 बदमाशों को शिप्रापत थाना ने इस गैंग के गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर जयपुर से आ रही है, जहां पर जल जीवन मिशन में घोटाले के मामले को लेकर ईडी ने महेश जोशी को पेश होने का समन भेजा है। महेश जोशी ने ईडी के समन का जवाब भी भेजा है। तो महेश जोशी ने ईडी से वक्त मांगा है, थोड़ा और वक्त की गुजारिश की गई है जवाब देने के लिए। 15 दिन का वक्त मांगा गया है। 2 दिन पहले ही ईडी की ओर से नोटिस थमाकर जवाब पेश करने को कहा गया था, ईडी कार्यालय पहुंचने के लिए कहा गया था। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि पूर्व मंत्री महेश जोशी ने वक्त मांगा है। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा महेश जोशी ने। 16 तारीख को मुझे दोपहर में नोटिस मिलता है और मुझसे ये निर्देश दिए जाते हैं कि मैं 18 तारीख को सुबह 10:30 बजे एक लंबी फेरिस डॉक्यूमेंट्स की उन्होंने मांगी, जो किसी भी तरीके से 12-15 दिन 20 दिन से पहले वो सारी फेरिस इकट्ठी नहीं की जा सकती। तो और संडे बीच में आ गया, 17 तारीख का संडे था, संभव नहीं था कि मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर पाऊं, इसलिए मैंने ईडी को ये जवाब भेजा है। तो 16 आज जो मेरे को पेश होना था उसके लिए मैंने जवाब भेजा है, राइटिंग में जवाब भेजा है, वो जवाब वहाँ ईडी में पहुंच गया। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आने वाले समय में कम से कम उतना टाइम जो मुझे मैंने मांगा है वो मिलेगा, उससे ज्यादा मिले तो और बेहतर। मैंने कभी भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई पे कभी सवाल नहीं उठाया। मैं एक चीज कहता हूं, जांच एजेंसियां आए, जांच करें, निष्पक्ष तरीके से जांच करें, कोई अगर दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि JJM जिसकी बात की जा रही है, इसके किसी भी टेंडर में, पहली बात तो ये 22,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ कहता है, कोई 2,000 करोड़ कहता है, अलग अलग चैनल में अलग अलग फिगर चल रहा है। 20-22 हजार करोड़ का टेंडर तो मेरे ख्याल से शायद 2019 जब से JJM चालू हुआ है तब से लेकर और हमारी सरकार रहने तक कुल भी शायद ना हुआ। चुनावी बॉन्ड मामले में SBI को 21 मार्च शाम 5 बजे तक सभी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि SBI को एक हलफनामा भी देना होगा और बॉन्ड का नंबर भी बताना होगा और चुनाव आयोग को फिर से वेबसाइट पर जानकारी देनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 21 मार्च शाम 5 बजे तक सभी जानकारी चुनाव आयोग को देने का आदेश दिया है। बैंक ने बोला कि नहीं, हमारे पास बॉन्ड नंबर्स वगैरह सब हैं और हम आसानी से ये डेटा दे सकते हैं, लेकिन हमने गलत समझ लिया आपके ऑर्डर का मतलब, हमको लगा कि बॉन्ड नंबर नहीं देने हैं वगैरह वगैरह। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमने आपको बोला था कि सारे डिटेल जितने आपके पास हों इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। उसका ये मतलब नहीं था कि आप बॉन्ड नंबर नहीं देंगे या और कोई डिटेल नहीं देंगे। तो उन्होंने बोला है कि सारे ही डिटेल्स जो भी उनके पास बॉन्ड के बारे में हों वो पूरे के पूरे डिस्क्लोज करें। और स्टेट बैंक के चेयरमैन से बोला है कि वो थर्सडे की शाम तक एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर दें कि उन्होंने ये सब डिस्क्लोज कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में दल बदल को लेकर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि बीजेपी की विचारधारा से जो सहमत हैं उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं और लोग
आ भी रहे हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बताते हुए कहा कि डूबते जहाज पर कौन टिकेगा, जब गांव में आग लग जाती है तो चूहे भी निकलकर भागते हैं, वैसे ही कांग्रेस पार्टी से लोग भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से भारत तो जुड़ा नहीं बल्कि कांग्रेस टूट रही है। सुनिए। दल बदल तो ठीक है, जिसकी मन में इच्छा है वो कहीं जाओ, जो हमारे सिद्धांतों से विचारधाराओं से खुश है उनके लिए दरवाजा खुला है, आए और आ रहे हैं लोग। हमने तो कांग्रेस ज्वाइन नहीं की, हम किसी कारण से पार्टी से हमको निकाल दिया था, टिकट भी काट दिया था, लेकिन हम विचारधारा में बने रहे, फिर पार्टी ने जगह दे दी। डूबता जहाज। और अजमेर में मदार रेलवे स्टेशन के पास देर रात बड़ा हादसा हो गया। साबरमती से चलकर अजमेर के रास्ते आगरा कैंट जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन पर बड़ा ट्रेन हादसा सामने आया है। गनीमत रही कि इस दौरान किसी के जन हानि की सूचना नहीं है। अजमेर के मदार रेलवे स्टेशन से थोड़ा पहले साबरमती ट्रेन के इंजन के साथ ही चार डब्बे नीचे उतर गए। अजमेर में साबरमती ट्रेन और मालगाड़ी के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। मदार रेलवे स्टेशन के पास हुआ ये हादसा इतना भीषण था कि साबरमती आगरा कैंट सुपर फास्ट एक्सप्रेस के इंजन समेत चार डिब्बे बिजली के पोल को तोड़ते हुए पटरी से नीचे उतर गए और सीटों पर सो रहे बच्चे, महिला और बुजुर्ग नीचे गिर गए। सभी इंजन और डब्बे जो है मालगाड़ी से टकराए और उसके बाद एक पोल को तोड़ते हुए सभी अपनी पटरी से नीचे उतर गए। आपको सीधी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मदार रेलवे स्टेशन के पास की तस्वीरें हैं, जहां एक मालगाड़ी खड़ी है, मालगाड़ी से ये टकराई आप देखेंगे, सीधा टकराने की जो तस्वीरें हैं, हादसे की जो तस्वीरें हैं, वो सीधे यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन जो है मालगाड़ी से टकराते हुए और फिर जो है नीचे उतरी है। पहला डब्बा ये है और उसके बाद जो है इंजन है, इंजन के बाद जो है चार डब्बे हैं। रात करीब 1:10 पर हुए ट्रेन हादसे की खबर जैसे ही जिला प्रशासन और रेलवे के अधिकारी को मिली, वो अपनी टीमों के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव शुरू किया। हादसे के बाद यात्रियों को करीब 3:16 पर सुरक्षित कोच में बिठाकर रवाना किया गया। गनीमत रही कि ट्रेन हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दो यात्रियों को मामूली चोट आई, जिन्हें प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। मेरे लिए खुशकिस्मती ये है कि अभी तक कोई पैसेंजर को रिपोर्टेड सीरियस इंजरी, नॉर्मल इंजरी, माइनर इंजरी या कोई भी किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी है। फिर भी हमने अपनी टीम को जेएलएन और सिविल हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया है। साबरमती एक्सप्रेस हादसे की वजह से अजमेर आगरा रेल रूट कई घंटों तक बाधित रहा। इस दौरान कई ट्रेनों का रूट बदला गया और कई ट्रेनें कैंसिल करना पड़ा। हादसे वाली ट्रेन को डाउन ट्रैक के जरिए मौके से रवाना किया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनों के आने से यह हादसा हुआ। साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस डेरेलमेंट के कारण से इंजन और चार जो जनरल के डब्बे थे उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को, उनको तुरंत ही जन पास के अस्पताल में ले गया गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है, राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है। हमारी पूरी उम्मीद है कि जो हमारी टीम है वो तुरंत ही साइट को रिस्टोर भी कर देगी। तो देखिए, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया गया। दो राज्यों के प्रशासनिक विभाग के सचिव को हटाया गया और इसके अलावा
कुछ राज्यों के सचिवों को भी गृह सचिव को हटाने का आदेश दिया। 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने के आदेश दिए, ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग की तरफ से। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चुनाव आयोग की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 राज्यों के प्रशासनिक विभाग के सचिव को हटा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आपको बता रहे हैं, 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने की भी बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन 2:25 पर जरूर देखिए रफ्तार के साथ बुलेट 100 की खबरें। नमस्कार।